बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद अब्बास और ये आप देख रहे हैं YouTube चैनल सऊदी ट्रैवल विद राशिद। अभी जो टाइम हुआ है सुबह 10 बज चुके हैं, तो मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार है। ये ताइफ का शहर है। वेलकम टू ताइफ। हमारे प्यारे पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ लाए थे तैयब में, तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे। तो फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप अगर फरमाएं तो इन पर पहाड़ गिरा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं करना। ये बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए मुकद्दस इलाका है ताइफ का, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए थे। माशाल्लाह ये बहुत सरसब्ज शादाब इलाका है। हमारे प्यारे नबी की दुआ है इस इलाके को। ये ताइफ से थोड़ा 2 किलोमीटर पहले है अरफा। ये आप देख रहे हैं, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है यहाँ पर। ये ऊंट का मुजस्मा बना हुआ है सामने, आप देख सकते हैं। साइड पे सब होटल हैं, मताम, देरती, फरोज अल जजीरा, ब्रोस्ट वगैरह सब। ये ज्यादातर पहाड़ी इलाका है सारा। यहाँ पर गर्मियों में भी नॉर्मल दर्जा हरारत होता है 30 सेंटीग्रेड, 35 इतना ही रहता है। ये सामने लिखा सूक आकाश। ये आपको अभी थोड़ी देर में नजर आएगा, लेफ्ट साइड पे एक किला बना हुआ है पुराना। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में अभी तक मैंने मालूम नहीं किया। ये आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे, ये मौता के बाद आपको नजर आ रहा होगा। ये कदीमी किला है। अब इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। ये सामने लिखा हुआ है गसर शबरल अकलेमी। ये आपको नजर आ रहा है किला। ये राइट साइड पर एयरपोर्ट, ताइफ का जो एयरपोर्ट है। लेफ्ट साइड पर हॉस्पिटल है। इंशाल्लाह पूरी जो वीडियो है ताइफ के अंदर शहर की, वो मैं इंशाल्लाह किसी टाइम अंदर ताइफ का विजिट करूंगा, और आपको भी इंशाल्लाह पूरी जो भी ज़ियारत है यहाँ आप सब। उसके अलावा बहुत सारे जो दिलकश मनाजिर हैं वो आपको दिखाऊंगा ताइफ का।
خوبصورت ایریا ہے طائف کا. یہ مین روڈ ہے جو ریاض سے آ رہا ہے, روڈ مکے کی طرف بھی جا رہا ہے اور جدہ کی طرف بھی. ورکشاپ ہیں سارے, بڑی گاڑیوں کی, چھوٹی گاڑیوں کی. یہ سیدھا روڈ مکے اور جدے کو جاتا ہے. اندر شہر میں جاتا ہے, سیل صغیر طائف لکھا ہوا ہے, اور یہ جدہ مکہ, آگے میقات ہے, میقات کرن مناظر, جہاں سے احرام باندھ کر عمرہ زائرین مکہ کو جاتے ہیں. اسی روڈ پر اب یہ البیک کی نئی شاخ کھلی ہے. یہ 2007 اور 2008 میں صرف جدہ میں اور مدینہ پاک میں البیک کی شاخیں تھی, ابھی ہر جگہ پہ بن گئی ہے البیک. یہ آگے مسجد ہے میقات, یہاں سے احرام باندھتے ہیں. جتنی بھی شاپس بنی ہوئی ہیں یہاں سے احرام ملتے ہیں. اوپر ہوٹل ہیں,
मस्जिद है, आपको सामने मीनार नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से अहराम बांध कर हज्जाज किराम मक्का को रवाना होते हैं। ये चेक पॉइंट लग चुकी हैं, बगैर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मक्का में एंटर नहीं होने देंगे। सीधा रोड मक्के पाक के लिए जा रहा है और ये जिद्दा के लिए सिंगल रोड है, जिद्दा अल जमूम अल रेमा नॉन मुस्लिम। ये मक्के में एंटर सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं। ये इन्होंने बड़े बड़े पोर्ट दिए हुए हैं। ये जिद्दा के लिए जा रहा है रोड, सिंगल रोड है, अभी बन रहा है। जम्मूम से फिर बारह से जिद्दा। पोल्ट्री फार्म, कंट्रोल शेड मुर्गियों का। ये देखें ये खुश्क पहाड़, हमारे एरिया में जितने भी पहाड़ वगैरह हैं सर सब शादाब हैं। सऊदी अरब के पहाड़ बहुत बनी उमर अल जमूम। यहाँ कबीले हैं वादी बने उमैर। ये दोस्तों जम्मू का शहर है अल जमूम। मक्का से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर दूर है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ
चांद दरख्तों का बहुत बड़ा जखीरा था, अभी काट दिया है, ये फिर से जो है ना हो रहे हैं दरख्त। ये कमेटी है यहाँ की बल्दिया, इसको बोलते हैं। ये जो ब्रिज से पहले जो राइट साइड पे रोड जा रहा है, ये मदीने पाक को जा रहा है सीधा जम्मू, और लेफ्ट साइड पे मक्का जुल्मकरमा, तकरीबन 40-50 किलोमीटर है यहाँ से मक्का जुल्मकरमा। तो हमने सीधा जाना है शहर में, शहर से फिर बहरा, बहरा से फिर जद्दा इंटर होना है। ये पार्क है, ब्रिज के ऊपर चढ़ गया हूँ। ये मदीना रोड है, और ये मक्का। ये बहुत तारीखी शहर है जम्मू। इसके बाद आता है इशारा हदा, अल हदा, उसी रोड पे वो सुलह हुदैबिया जहाँ पर सुलह हुई थी कुफार और मुसलमानों के दरमियान, वहाँ पर एक मस्जिद है माशाल्लाह, एक कुआं भी है। ये शहर है जम्मू का। ये पुरानी इमारत है, शुएब, हदा, बहरा, जद्दा, ये सीधा मक्का अल मुकर्रमा लेफ्ट, मदीना अल मुनव्वरा राइट।